अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 के दो टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। वो ऑक्सीडेशन एक टॉपिक है, दूसरा रिडक्शन एक टॉपिक है। तो ये दोनों टॉपिक जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल वाइज इम्पॉर्टेंट है। पेपर में एज सच वो इनके सवालात नहीं पूछता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले सवाल ये होता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम में तीन कंडीशंस में हो सकता है, सही है, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तीनों में से कोई एक टर्म एग्जिस्ट करेगी हमारे एटम या ग्रुप ऑफ एटम में। तो इन तीनों में से कोई भी एक टर्म एग्जिस्ट करेगी तो हम कहेंगे कि उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर या तो जो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है वो ऑक्सीजन गेन कर लें तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रही है। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरी कंडीशन क्या है, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इन टर्म्स में ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम और हाइड्रोजन को लूज कर दें तो हम कहेंगे कि उसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होगी कि अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम लूज कर दे इलेक्ट्रॉन्स को तो हम कहेंगे कि भाई उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशंस हो सकती है ऑक्सीडेशन के लिए। तो हम एग्जांपल्स देखते हैं सबसे पहले कि गेन ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगा। कि ये नॉन एग्जांपल लिखी हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही कंप्लीट रिएक्शन नहीं लिखा हुआ, एक रिएक्शन का एक पार्ट लिखा हुआ है सिर्फ आपको समझाने के लिए। क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या होता है आपके पास कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं। तो एक पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रही होती है और एक पार्ट में रिडक्शन हो रही होती है। तो अभी हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसलिए मैंने आपको ऑक्सीडेशन का पार्ट बता रहा हूँ। तो ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी, गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन कैसे हो रही है, देखें कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखें कार्बन ने के पास यहां एक ऑक्सीजन था, यहां दो ऑक्सीजन होगा, तो ये कार्बन के साथ क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है कार्बन में, कार्बन की। इसके बाद आ जाएं लॉस ऑफ हाइड्रोजन में। तो इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ हाइड्रोजन अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन क्या होती है कि हाइड्रोजन लॉस हो रहे हो किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम में। तो आप देखें ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल में आप ये देखें कितने हाइड्रोजन है, 3 + 2 + 1 कितने होगा, 6। तो टोटल 6 हाइड्रोजन यहाँ मौजूद हैं। जबकि ये आप देखें ये हमारे पास इथानल बन गया। तो ये जो इथानल बना है इसमें आप ये देखें कि इसमें कितने हाइड्रोजन, टोटल 3 और 1 4। तो देखें हाइड्रोजन कम हो गए, इथाइल अल्कोहल से इथेनॉल बनते हुए हाइड्रोजन कम हो गए। तो जब हाइड्रोजन कम हो गए तो ये हाइड्रोजन लॉस हुए, तो उसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुई है। अब इसके बाद आप देखें कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे, या इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की अगर मैं बात करूँगा तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा। तो आप इसकी दोनों एग्जाम्पल देख लें कि Fe पहले न्यूट्रल था, उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो उस पर क्या चार्ज आ गया, Fe+2। और देखें ऑक्सीडेशन नंबर पहले इसका 0 था, अब क्या चार्ज हो गया, +2। तो देखें ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, तो उसका मतलब क्या है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में नॉर्मली आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वाली कंडीशंस हो रही होती हैं। अब आ जाएं रिडक्शन पर कि रिडक्शन क्या होती है। रिडक्शन बिल्कुल अपोजिट है ऑक्सीडेशन के। तो देखें
रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन वो लॉस हो रहा होगा हमारे एटम या ग्रुप ऑफ एटम में, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि इसमें रिडक्शन हुई है। अगर हम मैं बात करूँ रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन तो क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम हाइड्रोजन गेन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि उसमें रिडक्शन हो रही है। अब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि उसमें रिडक्शन हो रही है। अब इसी तरह हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर्स की टर्म्स में क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहे होंगे, सही। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, सबसे पहले हम ये एग्जांपल देख लेते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप ये देखें Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Cl माइनस। तो अब यहाँ देखें आप कि यहाँ इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो ज़ीरो था, और ज़ीरो से ऑक्सीडेशन नंबर पर क्या आ गया, माइनस 1। तो जब 0 से माइनस 1 आया तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में, इसका मतलब क्या है, क्लोरीन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। अब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, देखें क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उस पर क्या चार्ज आ गया, माइनस 1। तो 2 क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उस पर क्या चार्ज आ गया, माइनस 1। तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इस वजह से ये क्या हो रहा है, क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। अब गेन ऑफ हाइड्रोजन की एग्जांपल देख लेते हैं, गेन ऑफ हाइड्रोजन में फिर ये एग्जांपल है कि ये इथानल जो है, इथानल इसमें कितना हाइड्रोजन है, 3 और प्लस 1 4 हाइड्रोजन है, और ये कन्वर्ट हो रहा है इथाइल अल्कोहल में, तो इसमें देखिए कितना हाइड्रोजन है, 3 प्लस 2 प्लस 1 6 हाइड्रोजन है। तो देखिए हाइड्रोजन 4 से किस में चलेगा, 6। तो जब 4 से 6 क्वांटिटी चलेगी हाइड्रोजन की तो उसका मतलब क्या है कि ये गेन कर रहा है हाइड्रोजन को, तो ये ग्रुप ऑफ एटम हाइड्रोजन गेन करके इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब ये हाइड्रोजन गेन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रही है। अब इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन लूज कर रहा होगा वो, तो उसका मतलब क्या है, रिडक्शन हो रही है। तो देखें Fe2O3 कन्वर्ट किस में हो गया, सिर्फ Fe में, तो ये ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस, ऑक्सीजन जो है वो लॉस हो गया किससे, Fe से, तो इस वजह से ये रिडक्शन हो रही है। तो ये भी रिएक्शन जो है कंप्लीट रिएक्शन नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक पार्ट लिखा हुआ रिएक्शन का आपको समझाने के लिए। तो रिडॉक्स रिएक्शन में नॉर्मली आप क्या चीजें देखेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन में नॉर्मली ये चीजें देखेंगे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है तो रिडक्शन हो रही है, या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है तो रिडक्शन हो रही है। इसी तरह ऑक्सीडेशन में आप क्या देखेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन में कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रही है, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, सही। अब एक छोटा सा एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली किसी रिएक्शन में प्रोसीड हो रही होती है। तो जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रही हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये आज का हमारा टॉपिक था चैप्टर नंबर 7 का, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हवाले से इनकी डेफिनेशंस हमने कवर किए, मुख्तलिफ टर्म्स में इनकी डेफिनेशन है, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट से मेंशन कर देगा।